आपके जो यूनियंस है उन जी यूनियंस में अब दरार पड़ रही है. देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस अमंगस्ट द यूनियंस इन द एजिटेशन एंड ईच वन हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. हाउ वुड यू कॉम्बैट दिस? इसको आप कैसे ठीक करेंगे या इसको कैसे झेलेंगे? क्योंकि उससे जो एजिटेशन है उसको एक उस पर एक प्रभाव पड़ता है और एजिटेशन को एक झटका लगता है. नहीं, हमारे संगठन में तो कोई दरार नहीं है। मैं तो पूरे संगठन की बात तो नहीं कर रहा, मैं तो पूरे देश के किसान की बात कर रहा कि देश के किसान को नुकसान है। कोई एक संगठन हो सकता है कि उसको फायदा हो? देखिए, दो बातें कही जा रही है. एक कि जो कम्युनिस्ट एलिमेंट है जो वो इस संगठन इस एजिटेशन को चलाना चाहता है, जो जाट्स हैं, जो जाट किसान है वो इसका क्लोजर चाहते हैं. तो एक कास्ट लाइन पे भी डिवीजन है. जैसे कि ये जाट्स का मूवमेंट हो गया, ये किसान जाट्स जाट किसान का मूवमेंट है और इसमें गुजर यादव इन राजपूत इन सबका कोई दखल ही नहीं है. तो कहीं लोग कट गए हैं बीच में और विथ इन एक कास्ट लाइन्स पे या एक कोई फेस ना होने पे या कोई लीडर जो पंजाब का लीडर है या पंजाब का किसान लीडर है उसको हरियाणा एक्सेप्ट नहीं करती है. आप हैं एज अ लीडर पर आपकी भी ऑल अराउंड एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है. ना तो ये जाट यूनियन है, ना ये सिखों का संगठन है। ये तो बातें पहले चली गई। वो तो एलिगेशन जो सरकार को लगाना था, 11 तरह के एलिगेशन इस संगठन पे लगाए। यहाँ पे किसान की बात है, अगर उनको लाभ होगा तो सबको होगा, नुकसान होगा तो सबको होगा। जातिगत वो तो पीछे चला गया, उसका तो कोई मैटर ही नहीं अब रहा। ऐसी भी बात है कि आपकी ऑल अराउंड एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है और बहुत सारे फैक्शंस हैं जो आपको लीडर मानते हैं पर सब आपको लीडर मानने से तैयार नहीं, नहीं. हम क्या लीडर हैं? ना हम लीडर बनवाना चाहते हैं। अब के इस संगठन की यही तो खासियत है कि इसमें चुने हुए करीब 40 लोग हैं। ये इसकी खासियत है, सबसे बड़ी संयुक्त मोर्चा है और 40 लोग हैं इसमें, और देश में पूरे अलग अलग जगह के लोग हैं इसमें, और सबका मसला एक है। अगर ये संगठन एक उसके अंदर में होता तो हो सकता था कि फैसला हो जाता जल्दी, क्योंकि एक तो मान लेता है वो जानने वालों के उसमें आ जाता है, प्रेशर में आ जाता है, मान लेता है, अधिकारी बात कर लेते हैं, ऊपर नीचे की बात कर लेते हैं। तो आपका तो ठीक है ना, आपका 40 लोग हैं और 40 लोग सबकी सहमति एक है कि भाई कानून वापसी होना चाहिए। ये तो देश में पहली बार तो हो गया आपकी बार, और हमको भी बहुत राहत है। हम कहां चाह रहे हैं कि हमको पूरा पूरे देश की जनता हमको लीडर मान रहे, ना हम लीडर हैं। इज इट ट्रू दैट मेनी फैक्शंस डू नॉट एक्सेप्ट यू एज द ऑल इंडिया लीडर? क्या यह सच है कि आप पे आपको लीडर सब लोग आपको लीडर नहीं मानते और आप एक फैक्शन के लीडर हैं? नहीं, हम तो लीडर है ही नहीं। हमने कहां कहा कि हम लीडर हैं? हम तो किसान हैं, उनकी बात यहां पर उठाते हैं। हम तो लीडर तो है ही नहीं। हम इसका तो संयुक्त मोर्चा लीडर है, इसका कोई एक आदमी इस आंदोलन का लीडर नहीं है। आपने पैसे की बात की, आपने कहा रोजगार नहीं मिलता, आपने कहा हाँ, पर आपके अपने एसेट्स तो 80 करोड़ हैं. आपके पेट्रोल पंप चल रहे हैं और ज्यादा आप है बात मेरे कर रहे तो हैं ज्यादा है। 80 करोड़ तो कम है, ज्यादा है, हमें भी नहीं पता कितने, हिसाब लगवाओ पहले कितना है हमारे पास में। तो आप बीड़ा उठा रहे हैं या बात कर रहे हैं फार्मर्स जिनकी 10,000 रुपए महीने की आमदनी नहीं है. आपके पास खुद इतना पैसा है और आप केसेस उठा रहे हैं उनके जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो ये तालमेल कैसे? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास तो बहुत है, कहीं 1,000,00,000 करोड़ रुपया है हमारे पास तो। हिसाब लगा के सरकार बता मैं कितना है हमारे पास तो। हमारे पास तो वो कंप्यूटर है नहीं है, कितना हिसाब और कितनी जमीन हमारे पास में, हमें भी नहीं पता कितनी है।